नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस के विरोध करने पर बेदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस ने हमेशा से ही अच्छी योजनाओं का विरोध किया। कांग्रेस ने राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में फैसला लिया। भाजपा का वोट बैंक तो बड़ा लेकिन सीटों में नहीं बदल पाए। भाजपा कर रही है समीक्षा, वोट ध्रुवीकरण की वजह से सीटें कम मिली। दिल्ली में रविदास मंदिर टूटने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिए। जेजीपी के साथ सरकार जनता की सेवा विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए दिए गए निर्देश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी 2009 में दूसरी बार सरकार बनी थी लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक कम हुआ था। सिरसा में अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे कृष्ण बेदी। भाजपा कोर ग्रुप की ली बैठक, विकास के एजेंडों को आगे बढ़ाने का पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री की योजना को लेकर बैठक ली गई। रैन बसेरा वे नशा मुक्ति वे पुनर्वास पर अधिकारियों से की गई चर्चा। मुख्यमंत्री की पिछली टर्म की शिव धाम योजना के तहत शमशान घाट के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। 95% शमशान घाट वे कब्रिस्तान में काम पूरा हुआ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव और भाजपा के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है। नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस के विरोध करने पर बेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही अच्छी योजनाओं का विरोध किया है। कांग्रेस ने राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में फैसला लिया है और उन्होंने हरियाणा में भाजपा के कम सीटें आने पर कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कम सीटें आई हैं लेकिन भाजपा का वोट बैंक बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कम सीटें आने की लेकर समीक्षा करेगा। 2009 में भी कांग्रेस की भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी थी लेकिन उनका वोट बैंक उस समय गिरा था। भाजपा के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रेस्ट हाउस में सिरसा के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि वोट ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को कम सीटें मिली हैं। दिल्ली में रविदास मंदिर टूटने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिए। जजपा के साथ सरकार ने जनता की सेवा व विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए और उन्होंने कहा कि सीएम की पिछली टर्म की शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। 95% शमशान घाट और कब्रिस्तान में काम पूरा हो गया है। और इसी के साथ देखते रहिए पर्पल की विशेष रिपोर्ट। सर, नागरिकता संशोधन विधेयक ले गई है सरकार, उसको आप कैसा देखते हैं? जैसा आप देखते हैं। क्या इफेक्ट रहेगा इसमें? इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा, बढ़िया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, ये देश के एजेंडे में, देश की जनता के एजेंडे में था और देश हित के लिए मोदी जी ने जो भी कदम उठाने की जरूरत उठा रहे हैं। कांग्रेस विरोध कर रही है इसका। तो कांग्रेस ने पक्ष किस बात का किया? राम मंदिर का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का विरोध किया, उसने समर्थन किस बात का किया? वो तो कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। जो मुख्यमंत्री जी ने कुछ योजनाएं पिछले टर्म में शुरू की थी, हमारी शिवधाम योजना, जो शमशान घाट के अंदर नवीनीकरण की बात थी, शमशान घाट का रास्ता ठीक हो, शमशान घाट की चारदीवारी हो, शमशान घाट की शेड हो और पीने का पानी की व्यवस्था की जाए, और यही व्यवस्था कब्रिस्तान के लिए भी थी, उसको एक चाकआउट करने के लिए जो सीएम साहब की एक बड़ी अनाउंसमेंट थी। तो आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 95% वो काम हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है और कुछ अभी अंडर कंसंट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है, और कुछ खर्च ऐसे हैं जो अभी शुरू नहीं हुए, उनको चेकआउट करने के लिए मैं आज आया हूँ। इस बार वैसे तो 3.5% वोट बीजेपी की बढ़ी है, परंतु 5 साल के विकास कार्यों को देखते हुए, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए, और जिस प्रकार पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल काम किया, वोट परसेंटेज हमारा 3.5% बढ़ा है, परंतु वो 3.5% बढ़ा, वो वोट बैंक हमारा सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम बहुमत से दूर रहे, परंतु मुख्यमंत्री जी की साफ छवि को देखते हुए, मोदी जी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, हमारे सहयोगी पार्टी जनता जननायक जनता पार्टी के हमारे युवा साथी भाई दुष्यंत चौटाला जी ने और इंडिपेंडेंट जो लोग निर्दलीय जीत के आए थे, उन्होंने प्रेफरेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की
साथ देने का किया और एक अच्छी सरकार को दोबारा से स्थापित करने की पहली बार एक पहल हुई है। यह हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार बढ़े हुए वोट बैंक के साथ दूसरी बार सरकार रिपीट होना लगातार, यह ऐसा पहली बार हुआ है। सरकार उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी रिपीट हुई थी, परंतु 67 से 40 पे आए थे, परंतु वोट परसेंट कितना डाउन गया था वो एक बड़ी बात थी। तो इसलिए आज कार्यकर्ताओं के काम को किस प्रकार से महत्व दी जाए, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की योजनाओं के साथ आगे बढ़ा जाए और जितने विकास कार्य हैं उसके अंदर कार्यकर्ताओं की भागीदारी किस प्रकार से हो, तो ये सारी चीज़ सुनिश्चित करने के लिए सीएम हाउस और सीएम ऑफिस और कार्यकर्ताओं के बीच में एक कड़ी के रूप में मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है। और हरियाणा प्रदेश के 11 जिले आज के कार्यकर्ताओं की बातचीत संगठन तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार की योजनाएं कार्यकर्ता तक पहुंचाने के लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई है। और 11 जिले भाई अजय गौड़ जी वो देखेंगे, तो मैं आज आप सभी के बीच में आया हूँ और कार्यकर्ताओं से बैठ के विचार विमर्श किया। सर, ऐसा क्या कारण है कि सिरसा में बीजेपी को वोट तो पड़ रहे हैं लेकिन विधायक नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब पहले दे चुका हूँ। लोगों ने वोट बढ़ाया परंतु वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसकी समीक्षा भी, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर ही बाहर 0.5% वोट बढ़ने के बाद सीट कम रह गई। अब जिस प्रकार से ध्रुवीकरण हुआ चुनाव के अंदर वोट का, किस प्रकार से वोटर ने एक अलग तरह का एक निर्णय लिया, वो शायद हमें भी इसका अनुभव नहीं था और शायद जो लोग जीत के आए उनको भी नहीं होगा। और जिलों की भी तो बात है, ऐसा नहीं है, ये वोट का पोलराइजेशन हो, जिनको हमने 4 महीने पहले 6-6 लाख वोटों से हराया था आज वो दोबारा विधायक हो गए, ये विषय नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के अंदर जो वोट का पोलराइजेशन हुआ, इसके अंदर कई इशूज हैं। दिल्ली के अंदर संत शिरोमणि रविदास मंदिर का कोई ऐसा इशू था, वो भी शेड्यूल कास्ट के अंदर एक लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट थी, और कई तरह के चुनाव के अंदर चलते हैं मुद्दे।